नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी की। राजनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बार इंटरव्यू मैंने आपका किया, बार और हर बार आप अध्यक्ष बन जाते हैं, फिर करना पड़ता है, कभी आप मंत्री बन जाते हैं। एक पहले व्यक्ति हैं जिनको मैं जानता हूं जनसंघ और बीजेपी के इतिहास में जिसको टेक्निकली थ्री सीटर मिली जी, क्योंकि एक साल के लिए पहले बने आप, उसके बाद उससे पहले कोई नहीं बना। तो आप, ये ऐसी क्या खूबी है कि आप सबको खुश कर लेते हैं? मैं नहीं जानता कोई खास खूबी हमारे अंदर नहीं है। पार्टी के सारे हमारे जो सीनियर लोग बैठकर जो फैसला करते हैं और जो जिम्मेदारी देते हैं, उस जिम्मेदारी का मैं निर्वाह करता हूं। पर आपके बारे में ये कि ये टीम नहीं जो आई है 53-54 जो आपके ऑफिस बेरर हैं, प्रवक्ताओं को मिला करके लिया जाए, 60% से लोग तो 60 साल से नीचे हैं उसके अंदर, कई 35 साल से नीचे हैं। लगभग 80% ऐसे लोग हैं, 85% लोग जिनकी आयु 60 साल से कम की है। ये जो टीम बनाई है, लगता है ये संगठन मजबूत करेगी, ये टीम जो आपने? निश्चित रूप से जो टीम बनाई है वो संगठन भी मजबूत करेगी और पब्लिक मोबिलाइजेशन का भी जहाँ तक प्रश्न है, इस काम को भी वो करेगी। पर अब टीम तो ऐसा लगता है जैसे आपने मोदी की टीम बना दी, राजनाथ सिंह ने मोदी की टीम अनाउंस की, जितने मोदी के मंत्री लोग हैं। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, और प्रभु जी आपको इस बात की जानकारी भी है कि मैंने परामर्श तो सबसे किया है, लेकिन मैंने स्वयं बैठ कर जो है कमेटी का गठन किया है, और मोदी जी ने मुझसे नहीं कहा है कि फला व्यक्ति को रख लीजिए। अमित शाह को बनाने के लिए उन्होंने नहीं कहा आपको? मैंने बिल्कुल नहीं, किसी तो अमित शाह के पीछे ऐसी क्या खूबी थी? देखिए, जिसके खिलाफ मर्डर चार्ज हो, जिसके खिलाफ एक्सटॉर्शन के चार्जेस हो, अमित शाह का जहां तक प्रश्न है कोर्ट में केस चल रहे हो, अमित शाह मेरी जिम्मेदारी संभालने के पहले से ही यहाँ पर संगठन में कुछ न कुछ भूमिका निभाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था, नंबर एक। नंबर दो, अमित शाह के बारे में जरूर मैंने, मुझे जो लगता है कि चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन कम से कम क्रिमिनल एटीट्यूड उनका न पहले रहा है और न आज तो होगा। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा ना, कोर्ट डिसाइड करेंगे, कोर्ट में चार सीट हो गए वो लोग, एक्सटॉर्शन में, मर्डर में, क्या ऐसे गंदे काम नहीं। चार सीट है लेकिन वो करप्शन के चार्जेज नहीं है, ब्लैकमेलिंग के चार्जेज नहीं है, लेकिन कोर्ट में भी मामला है, जो भी चार्जेज हैं उनके ऊपर, तो मैं समझता हूं कि कोर्ट के जजमेंट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो जजमेंट छवि, अगर आप करप्शन का चार्ज कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं, क्रिमिनल का चार्ज लगा रहे हैं, करप्शन का चार्ज लगा रहे हैं आप कांग्रेस के ऊपर, अपना क्या, अमित शाह में ऐसी क्या खूबी थी जो आपको लगा कि उसके बिना पार्टी चलेगी नहीं? हमारे सारे राजनीतिक विरोधी बराबर भारतीय जनता पार्टी को, चाहे कोई घटना हो अथवा न हो, ये बराबर बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और उनकी भरपूर यह कोशिश रहती है कि मजबूरी क्या थी आपको, और भी बहुत व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, यह लोगों और विशेष रूप से माइनॉरिटीज के मन के अंदर यह कहकर एक भय पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि माइनॉरिटीज का उन्हें वोट हासिल हो सके। अमित शाह, क्या मजबूरी थी आपकी? कोई मजबूरी नहीं, गुजरात में किन नेता ने जिसको आप महामंत्री बना सकते थे? कोई मजबूरी, देखिए हमने सत्ता का कोई पद उन्हें अभी नहीं दिया है, ये चार्ज होने के बाद संगठन में पार्टी में वो थे, पार्टी में हैं, और जो भी चार्जेज उनके ऊपर हैं, मैं समझता हूं अदालत में मामला है। पर स्थिति की बात करता हूं, आप सब पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी जो ये फैसला क्यों नहीं करती जिस नेता के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट उड़ जाएगी, जो केस चल रहे होंगे उनको कोई भी हम पद नहीं देंगे, टिकट नहीं देंगे जब तक कि वो कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता? इसका मतलब हम लोगों जैसे जो लाखों लाख लोग इस देश में हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में आज प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, उनके ऊपर तो इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे चार्जेस थे। नहीं, बहुत सारे चार्जेज उनके ऊपर थे, यहाँ तक उनके खिलाफ अदालत में केसेज भी चले, अंत में वो बरी हुए। इसका मतलब यह है कि वो पूरी तरह से छोड़ दें, ठीक है, आरोप यदि हमारे ऊपर सिद्ध होगा तब आप ये कह सकते हैं कि नहीं आपको यह काम नहीं। अल्टीमेटली ये कहा जाए, ये जो टीम आपकी है, मोदी की टीम बनाई, जिसको कहते हैं कि आप स्मृति ईरानी को वाइस प्रेसिडेंट, बलबीर सिंह को बना दिया, देखिए अब ऐसे लोगों को बना दिया सारे पार्टी, क्या आपको इस बात की जानकारी है ना प्रभु जी, स्मृति ईरानी पहले भी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय देखिए बराबर एक ही जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर हर समय नहीं रहती। पार्टी के यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट है, इतनी उम्र का वाइस प्रेसिडेंट बना नहीं आज तक। दायित्व तो परिवर्तन बराबर होता रहता है किसी भी संगठन में, किसी भी राजनीतिक पार्टी में, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए आप नहीं कह सकते कि जो एक पद पर बैठ गया उसको कभी हटाओ मत। बलबीर पुंज का जहां तक सवाल है, पहले वो राष्ट्रीय मंत्री थे, पर आप कह रहे कि 65 साल से नीचे जो लग रहे, आपको लगता है कि आपकी पार्टी तो मैंने कहा ना, कुछ ना कुछ तो ऐसे लोग रहेंगे, दो चार लोग, दो तीन लोग, चार लोग तो रहेंगे,
अब स्मृति ईरानी कहाँ 60-65 से ऊपर की, मैं कुछ और 65 के ऊपर के तो दो ही लोग हैं आपने 65 के ऊपर, जसवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, इन सब लोगों को छोड़ दिया आपने, कुछ नहीं बनाया। आजकल मतलब एक्सपीरियंस की वैल्यू कोई नहीं आती है, नहीं जहाँ तक अनुभव की कोई वैल्यू नहीं है। जो व्यक्ति 5 सेंटर है, कोई मोदी का, कोई अडवाणी का, कोई राजनाथ का, कोई अरुण जेटली का, कोई सुषमा स्वराज का, ये सब राजनाथ जी ने इकट्ठे कर लिए। देखिए ऐसा, जहाँ तक यशवंत सिन्हा जी का और जसवंत सिंह जी का प्रश्न है, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो एक्सलेंट परफॉर्मेंस रहा है, इसलिए नहीं रखा उनको आपने। नहीं नहीं रखा नहीं, मैं कहता हूँ इसके पहले क्या पदाधिकारी थे, वो पदाधिकारी रहे अथवा न रहे, पद का उनके लिए अब कोई महत्व नहीं रह गया है, उनका कद भी इतना बड़ा हो गया है। पर पार्लियामेंट्री बोर्ड में जैसे मोदी को रखा, बाकी मुख्यमंत्री को नहीं रखा। पिछली बार आपका ये था कि एक मुख्यमंत्री को रखा, जब आपने मोदी जी को पहले भी अपॉइंट किया था, दोबारा किया, ये तर्क था कि मोदी मुख्यमंत्री बाकी क्यों नहीं, इस बार क्यों नहीं रखे बाकी मुख्यमंत्री आपने? मैं स्पष्ट कर दूं, आपने कहा एक ही मुख्यमंत्री आपने रखा, पिछली बार एक ही रखा था आपने, सुनिए एक ही मुख्यमंत्री रखा, क्योंकि इस बार जो है वैकेंसी केवल एक थी, और एक ही वैकेंसी जो हमारे पास थी तो उसमें जो अमंगस्ट द चीफ मिनिस्टर्स जो भी सब सीनियर मोस्ट थे उनको जो है हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड में इंडक्ट किया है। चौहान को इसलिए छोड़ दिया कि सीनियर मोस्ट नहीं, नहीं चौहान का काम बहुत ही, शिवराज चौहान बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन ये बताइए यहाँ पर 5 लोग 6 लोग 7 लोग हैं, स्वाभाविक नायडू का क्या काम है बताइए आप, स्वाभाविक नायडू का क्या काम है पार्लियामेंट बोर्ड में आपको रखने का, उनके कोई वो अच्छे नेता है ठीक है, अपने यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ते, पर वेंकैया नायडू भी हैं, 65 साल के ऊपर के लोग और भी रिटायर कर सकते थे। देखिए संगठन का बहुत ही उनका पुराना अनुभव है और पार्टी के वह अध्यक्ष रह चुके हैं, मेरे को लगा अडवाणी जी, अडवाणी जी जितने नाम किया आपको, अडवाणी के नाम को आपने सब धरातल कर दिया, अडवाणी जी ने किसी के लिए कोई दबाव नहीं डाला, केवल राज्य के लिए नहीं कहा उन्होंने, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। पर अडवाणी, क्योंकि आपके कुछ नेता ये प्रचार कर रहे हैं अडवाणी जी को रिटायर होना जाना चाहिए, अखबारों में छप रहा है कि देखिए अडवाणी जी का जहां तक प्रश्न है, अडवाणी जी हमारे नेता थे, हैं और नेता रहेंगे। भाई आप 8 साल उन्होंने पार्टी बनाई और जितवाया आपको सरकार में लाने के लिए, मैंने मैं कब अडवाणी जी को इग्नोर करके इसको नहीं चला जा सकता, मैं जानता हूं अडवाणी जी का महत्व था, है और रहेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो 65 साल की जो आपने लगा दी अडवाणी जी के बारे में कहा कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए, जैसे आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपने आपके कुछ लोग भी लिखते रहते हैं, वैसे प्रभु जी आप लोग जो चाहे सो लिख दें, जिसके बारे में जो करना चाहे कर दें, पर अडवाणी की इग्नोर, अडवाणी जी एडवाइस कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, इग्नोर और अडवाणी जी इन दोनों का कभी कोई रिश्ता ही नहीं बनता है। सवाल ये है कि कर्नाटक जैसे प्रदेश है जहाँ आप लगता है इस बार हारने वाले, ऐसे लगता है ओपिनियन पोल से, देखते देखते नहीं और वहाँ पर ऐसे लोग इंचार्ज है जो अपना इलेक्शन कमिटी जीते, दूसरे प्रदेश में हार के आपने वहाँ बना दिया, वहाँ पे तो यंग लोग आए थे, यंग लोगों ने कर्नाटक का वटा बिठा दिया। प्रभु जी इस आधार पर किसी व्यक्ति की कुशलता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता कि वो कितनी बार चुनाव जीता है कितनी बार चुनाव हारा है, दूसरे प्रदेश में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका की राजनीति से कोई रिश्ता नहीं होता है, फिर भी उनके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होती है और इलेक्शन मैनेजमेंट की भी स्किल होती है, वो सबसे ज्यादा मोदी के पास है, उन्होंने प्रूव कर दिया मोदी साहब के पास। अब किसके पास है क्या है, हम इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहते। तो क्या मोदी आपके इलेक्शन इंचार्ज होंगे कि नहीं, अब क्या होगा कैसे होगा यह सब हम सब सारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग ही बैठकर इस संबंध में फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री कैंडिडेट बहुत हैं अभी तक आपके यहाँ पर, सवाल ये है कि मोदी जी के बारे में बार बार आ रहा है कि मोदी जी आजकल तो कॉर्पोरेट के लीडर ज्यादा है, पोलिटिकल पार्टी के लीडर कम है, हर पॉट सीआईएम इधर उधर जाने राहुल से कंपटीशन हो रहा है, जो भी आरोप लगाता है आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, निराधार है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है, हमेशा अभी फिकी में जा रहे हैं, नहीं नहीं इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि नरेंद्र भाई इस देश के सर्वाधिक एक लोकप्रिय नेता है। पर अभी तो आपकी पार्टी में शुरू हो गया ना, कॉर्पोरेट में जाइए ज्यादा, वर्करों के साथ काम मिस करिए, वहां पर सब ज्यादा देखा, आपको बड़े नेता जितने भी हैं सब सीआईए फिक्की जगह भाषण देते मिलते हैं, कार्यकर्ताओं में कम दिखाई देते हैं। ये बताइए क्या आप नहीं चाहते हैं कि इस देश में उद्योग फले फूले, क्या आप पार्टी नहीं फले फूले आपकी, नहीं सुनिए तो, लेकिन क्या उन्होंने पार्टी का काम कभी नहीं किया है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी अटल जी के अटल जी और अडवाणी को कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा भाषण देते थे, सुना नहीं उनके तो गए हैं, बहुत कम गए हैं, और मैं भी सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहते हुए मैं भी भाषण कर चुका हूं, एक दो बार गए पर आपका दो बार मैं भी गया, फोकस वही नहीं था कि वहां बुला लिए गए तो इसलिए आप सक्सेसफुल हो गए। पर एक बात बताइए, मोदी को अगर सब अच्छे कार्यकर्ता है, अच्छे चीफ अपना है, व्यू हमारा डेवलपमेंट के बारे में व्यू क्या नहीं, नहीं, है, दृष्टिकोण क्या है, यह रखने के लिए यदि कोई फोरम बुलाता है तो मैं समझता हूँ नेता को उसमें जाना चाहिए। मोदी को फॉर्मली अनाउंस करने में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अगर आपको लगता है सबसे अच्छे सक्सेसफुल है, देर क्यों हो रही है, उसके कारण क्या है? देर का प्रश्न, देखिए हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हम लोग उसी सिस्टम के अनुसार ही चलते हैं, हम सिस्टम को कभी तोड़ नहीं सकते। अडवाणी जी को जिस समय हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया था, क्या यह सच नहीं है
उसमें पार्टी का मैं अध्यक्ष था, सभी नेताओं से मैंने बात की, जब समय आ गया, उपयुक्त समय आ गया, तब मैंने बात की, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड ने वो फैसला किया। तो सात आठ महीने पहले हो गया। मैंने कहा कि उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में तब मोदी जी भी हैं। हाँ, तो मोदी जी भी हैं, अपने बारे में फैसला तो कुछ करेंगे नहीं ना। ठीक है, पर मोदी लगता है आपके, मोदी के अलावा भी आपके पास प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट और हैं, या उनको सिलेक्ट करने में देरी क्यों हुई है? मैं इस बारे में पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। इसी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी से। मोदी को अल्टीमेटली प्रधानमंत्री का कैंडिडेट अगर बनाना है, मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, तो कब, क्यों डिले हो रहा है? मैं बार बार कह चुका हूं, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ही इसको डिसाइड करेगा, अध्यक्ष अकेले नहीं कर सकता है। पर एक बात, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जो है भारतीय जनता पार्टी का, प्राइम मिनिस्टर के लिए आप एनडीए को पहले कंसल्ट करेंगे तब चुनेंगे, या अपना कैंडिडेट चुनेंगे उसको बाद में एनडीए के बाद में? मैं क्या करूंगा इसका मैं खुलासा नहीं करना चाहूंगा। एनडीए का कैंडिडेट होगा ना वो, तो बस आप समझिए कि प्रधानमंत्री बीजेपी का होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग पार्टी फोरम पर बैठकर सभी लोग एक दूसरे से बातचीत करके इतना विश्वास रखिए कि जो कुछ भी हम लोग करेंगे वह बिल्कुल आम सहमत के आधार पर करेंगे, एक भी उसमें डिसेंट नहीं होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट चुनेगी या एनडीए चुनेगी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। वैसे आप जानते हैं कि सामान्य एक परंपरा है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है प्रधानमंत्री उसी का होता है। तो अगर आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो होंगे ना एलायंस के, आप ये बताइए होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, आप क्या जेडीयू आपसे बड़ी पार्टी हो जाएगी क्या? आप तो जानते ही हैं कि कौन होगा भारतीय जनता पार्टी। बाहर के लोग आपका कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर सकते, आपका कैंडिडेट कौन होगा ये बाहर के लोग तय नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मैं समझता हूं कि ये तो आज तक हमारी समस्या ऐसा नहीं हुआ, क्या कर, लेकिन फिर भी क्या करना, कब करना, किससे बात करना, करना कि नहीं करना, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होगा, ये भी पॉसिबल है। मैं सबका निचोड़ आपके सामने रख, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का सबका निचोड़ आपके सामने रख देना चाहता हूं कि हमारी एनडीए का भी इंटैक्ट बना रहेगा, पूरी एनडीए भी हमारी एकजुट रहेगी, और हम लोगों को जो फैसला करना है हम सब लोग मिलजुल कर फैसला करेंगे। आपने एक बार मेरे को पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का ही नेता जो होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, पर एनडीए से कंसल्ट करने के बाद। नहीं, अब आप बदल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बदल रहा हूं, बस दो, एक मान लीजिए कि एक तो हमारी एनडीए का इंटैक्ट पूरी तरह से बना रहेगा, और दूसरी चीज प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के संबंध में, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड विचार करेगा और विचार और निर्णय करेगा, और निर्णय करने के साथ साथ और जिन लोगों से भी आवश्यक है बातचीत करना उन सबसे बातचीत करेगा। प्रधानमंत्री आप पहले तय करेंगे ना, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा आपका कैंडिडेट कौन होगा, वो तो जो चुनाव से पहले कर देंगे कि नहीं? ये तो परंपरा है, इस पर किसी को कोई आपत्ति कभी नहीं रही है। आप इलेक्शन से पहले अनाउंस कर देंगे ना जो भी होगा आपका कैंडिडेट, इलेक्शन से पहले अनाउंस? ये सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, या किसी भी पोलिटिकल पार्टी के अथवा किसी भी अलायंस के, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि हम पहले कर देंगे। पर एक बात मैंने देखा पिछले कुछ दिनों से, आपका आपकी पार्टी का और मुलायम सिंह में खास प्यार हो गया लगता है, मोहब्बत बन रही है कोई। अडवाणी, वो कहते हैं अडवाणी जी बहुत है, मेरे को तीखी बात उन्होंने कहा, अडवाणी जैसा नेता अच्छा नेता नहीं है। उसके बाद श्याम प्रसाद मुखर्जी की तारीफ कर दी आपने कुछ दिन पहले, मुलायम सिंह अडवाणी जी का कद ऐसा है कि चाहे उनका दूर विरोधी वैचारिक दृष्टि से कोई, अडवाणी जी लोहिया की तारीफ कर दी अडवाणी जी का वैचारिक दृष्टि से धुर विरोधी क्यों ना हो, वह अडवाणी जी के योगदान की और अडवाणी जी के बड़े कद की और उनकी योग्यता और क्षमता की सराहना करेगा ही। समय ऐसा है ना, जब उनकी लड़ाई कांग्रेस से हो रही है तो आप लोग नहीं देखा जा रहा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। किसी के गुणों की प्रशंसा करने के लिए समय नहीं देखा जा रहा। आपको लगता है अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी अडवाणी जी के? एकदम बिल्कुल वैचारिक मतभेद है, इसलिए वो भी एंटी कांग्रेस है, आप भी एंटी कांग्रेस है। नहीं नहीं, क्या, वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों आपस के मतभेदों को भुलाकर और कांग्रेस को समर्थन देने का काम इस समय कर रही है, क्या बात। अडवाणी जी ने स्टेटमेंट अभी कहा, और मैं कहता हूं कि यदि सपा बसपा दोनों समर्थन वापस ले लें, केवल सपा समर्थन वापस ले ले, उसी दिन ये कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार चली जाएगी। क्यों नहीं, यदि वो प्रो कांग्रेस नहीं है तो क्यों नहीं समर्थन वापस लेते? आपको लगता है समाजवादी पार्टी प्रो कांग्रेस है? प्रो कांग्रेस सपा बसपा दोनों हैं, यह तो उत्तर प्रदेश की जनता को लोग आंखों में धूल झोंकते हैं। यदि प्रो न होते तो क्यों समर्थन दे? अडवाणी जी ने एक बात कही कि कांग्रेस और बीजेपी के बिना सरकार नहीं बन सकती,
तो आपको लगता है कि मुलायम में भी अगर मुलायम की 40 सीटें आती क्योंकि अल्टीमेटली झगड़ा यूपी से शुरू होना है जहां से आप अध्यक्ष हैं, तो आपको लगता नहीं कि मुलायम भी तो एक कैंडिडेट हो सकता है जिसको आप कांग्रेस को बाहर रखने के लिए स्पॉन्सर दे सकते हैं? देखिए, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसी उसी का प्रधानमंत्री बनेगा, यह बात है। कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी कांग्रेस के विकल्प के रूप में, यह बताने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट है भारतीय जनता। आप अगर थर्ड फ्रंट चाहेगा बनाना किसी को, थर्ड फ्रंट का एक्सपेरिमेंट स्वतंत्र भारत में न कभी सफल हुआ है न कभी सफल होगा। तो मतलब किसी आप जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी का प्रधानमंत्री ही आपके हिसाब से बनेगा प्रधानमंत्री? हमारा तो यही मानना है। पर आप मुलायम सिंह को सपोर्ट नहीं कर सकते किसी मुलायम का कैंडिडेट बने? ये तो काल्पनिक प्रश्न हो गया सिंह को किया आपने प्रभु, ये तो सब काल्पनिक प्रश्न हो गए। मैंने कहा ना, थर्ड फ्रंट तो एकदम बिल्कुल इसकी संभावना को ही पूरी तरह से मैं नकारता हूँ, इसलिए इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। तो आप मुलायम और मायावती के अलावा सरकार बन नहीं सकती इस देश में? नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। हम लोगों ने बनाई ही थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार आई थी। तो आपके क्यों ऐसा नहीं मानते कि नहीं आएगी? 180 क्या, 200-250 भी आ सकती है। अच्छा, आपको इतनी उम्मीद है 200-250? क्यों नहीं, लड़ेंगे, पूरे विश्वास के साथ लड़ेंगे। तो इस 2014 के लिए जो आपने, आपको लगता है चुनाव पहले होंगे? इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हालात जैसे हो गए ना, अब ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है और बस केवल यदि टिकी है तो सपा और बसपा के कारण ये सरकार टिकी है। अब देखता हूं कि कब तक इस सरकार का भय सपा और बसपा को सताता रहेगा। चलिए राजनाथ जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पार्लियामेंट्री बोर्ड जो परमानेंट है, बाकी सब नहीं है परमानेंट, क्या फैसला करेंगे हम देखेंगे। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।